एक दल पे दयावंत चार भुजाधारी, एक दल पे दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, आगे गणपति बप्पा जी। मैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ, जितने भी सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना समय दिए सबको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं विभा सिंह, इसमें हमारा माँ का भी कैरेक्टर है और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। सर के साथ मिलकर के पहली बार मुझे काम करने का मौका मिल रहा है और इस बाजिन के नाम की पिक्चर जो बन रही है भोजपुरी में, मुझे लगता है ये बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी पिक्चर है जो पारिवारिक पिक्चर है और सभी लोग एक साथ बैठ करके इसको अच्छे से देखेंगे। ये आपको प्रोड्यूस कर कहाँ से, मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आएगी, मतलब ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था जिसको मैं सुनी और पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं रवि जी के साथ मिलकर के ये पिक्चर प्रोड्यूस करूँ और ये मेरी पहली पिक्चर है। सबसे पहले तो मैं आप समस्त भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ और मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और ये मैं पहली फिल्म करने जा रहा हूँ एज लीड, जिसका नाम बाजिन है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा टाइटल है और इस टाइटल को सुन के और स्टोरी को देख के मुझे काफ़ी आनंद और काफ़ी उत्सुक हूँ मैं काम करने के लिए और पूरा कोशिश, मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दूंगा कि मैं इस रोल को बाखूबी एक अच्छे किरदार की तरह कर पाऊँ। क्या किरदार है सर आपका? तैयारी तो चल रही है सर, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं हम लोग। करेक्टर बारे में बताइए, किस तरह करेक्टर है आपका? करेक्टर मेरा एक में छोटे भाई का करेक्टर है राकेश जी, जिसमें बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं मेरे साथ और मैं छोटे भाई का रोल कर रहा हूँ। ये हमारे अंजलि जी भाभी हैं, उसमें प्रोड्यूसर साहब हैं और डायरेक्टर जी हैं हमारे साथ और पूरी टीम है और हम लोग पूरी टीम को भरोसा है और इसी भरोसा को हम लोग आगे भी ऐसे ही कायम करने की पूरी कोशिश है हमारी, ताकि आप सब लोगों के बीच में ये जो फिल्म हम बनाने जा रहे हैं जिसका 7 तारीख से हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं और शूटिंग चालू करने जा रहे हैं, ताकि ये बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आए और जो बाजिन का देख रहे हैं इसके अंदर की जो स्टोरी है तभी आपको पता चलेगी जैसे ही हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। अभिषेक भाई, आपको हमने कई फिल्मों में देखा, एज अ लीड आप पहली बार आ रहे हैं, तो कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर? फिल्म का टाइटल है बाजिन, आमतौर पर हमने देखा है कि जो गाँव में होते हैं महिलाएँ ताने के तौर पर इसे मानती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म में को करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं पहली बार आज कुछ करने जा रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच में, तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इस काम को आप सभी लोगों के आशीर्वाद से पूरा कर सकूँ। रवि जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके डायरेक्शन में काम करने जा रहे हैं? रवि सर के साथ तो मैं डायरेक्शन में काम नहीं किया, इनके प्रोड्यूसर में पहली फिल्म में काम किया हूँ, जिनका नाम है जान के बदले जान, और राकेश जी जिसमें लीड किए हैं उसमें मैंने काम किया था, बस वहीं से हमारा संपर्क हुआ और आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। रवि जी क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी को, बतौर लीड में आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटे भाई अभिषेक मिश्रा जी को इस फिल्म में सेकंड लीड दिया, और इस फिल्म को बनाने के लिए अगर किसी ने बहुत उत्सुक किया होगा, किसी ने अगर कोई फोर्स किया होगा और फिर से वापस, मैं बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इंडस्ट्री छोड़ रहा था, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में फिर मुझे अगर जिंदा कोई रखने वाला है तो ये मेरा छोटा भाई है और मैं ता जिंदगी पूरी मीडिया के सामने, जितने लोग आप लोग हैं, मैं पूरे लोगों के सामने मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं कभी भी अपनी छोटी फिल्म बनाऊँ या बड़ी फिल्म बनाऊँ, हर एक फिल्म में अभिषेक मिश्रा को एज ए लीड लेकर के काम करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सर। सिचुएशन मिला है और फिल्म का टाइटल आप देख ही रहे हैं बाजिन, सिचुएशन जो भी है वो एक इमोशन जुड़ा हुआ है,
इस कहानी के साथ में, क्योंकि टाइटल जिस हिसाब से उसी हिसाब से, और बड़ा ही मधुर इसके म्यूजिक और इसका म्यूजिक बनेगा। सावन कुमार म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ में, हम लोग काफ़ी साथ में काम किए, और ऐसी चीज़ कम से कम आज के दौर में जो थोड़ा सा भोजपुरी लोगों के लिए अश्लीलता का भी दौर चल रहा है, बड़ा थू हो रहा है, तो मैं भी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कम से कम एक डायरेक्टर ने एक पहल एक अच्छी फिल्म को लेके किया कि हमको नहीं चाहिए वल्गर गाने। और एज ए बेसिकली मैं राजेश मिश्रा गीतकार हूँ, मेरी 200 फिल्मों से ऊपर ही होगी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल, पवन खेसारी, और मैं कभी आज तक एक भी अश्लील गाना नहीं लिखा हूँ। जितने रोमांटिक सॉन्ग होते हैं या सूफी होते हैं या सैड सॉन्ग होते हैं वही मैं लिखता हूँ। म्यूजिक सावन बहुत अच्छा बनाते हैं और आगे आप लोगों को दिखाई देगा, सुनाई देगा भी। सिंगर डिसाइड है सर, कौन सा सिंगर होंगे? कुछ सिंगर इसमें जो भोजपुरी के हैं वो सारे लोग हैं इसमें, आलोक है, मोहन, कल्पना जी रहेंगी, इंदु सोनाली, खुशबू जैन, प्रियंका, पामेला जैन, खुशबू जैन, यही लोग जो आम भोजपुरी में आज गा रहे हैं लोग, वही लोग। सर आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक के बारे में? सबसे पहले तो भोजपुरी समाज को हम सावन कुमार प्रणाम करते हैं, और टाइटल बाजिन रवि पांडे भी बना रहे हैं, टाइटल अच्छी है। हम भी तो आज मुहूर्त में आए हुए, पहले डायरेक्ट मुहूर्त में ही आए हैं, और सिचुएशन मिलेगा, काम अच्छा होगा बाजिन के साथ, बाकी म्यूजिक में अच्छा, हम लोग अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मान इहे रोल बा कि जे पहली हीरोइन बटे ओकर जब शादी होता, एकरा बाद कुछ दिन बीतले के बाद जब बच्चा नहीं हो तो गांव वाला आजू बाजू तानामारी चालू कर देता। गांव में तो पते बा आप लोगों के कि बांझिन नाम से आदमी कितना नफरत करता, जेकरा के बच्चा नहीं हो ओकरा से कितना आदमी नफरत करता। हालांकि समाज में ई ना होके की चाहिए कि तो भगवान के हाथ में बा, आदमी के हाथ में और इंसान के हाथ में तो कौन चीज़ बा ना। जब बच्चा नहीं खेत गांव वाला ताना मारे लगा गांव, अब घर वाला भी वो चीज़ के समझ गए कि हाँ ई सही गांव वाला सही कहते हैं। हालांकि ये सही नहीं खे, फिर भी घर वालों की ही समझ में आ गई कि ना ये सही बा, गाँव वाला जौन कहते ना वह सही बात, बच्चा नहीं खेत दूसरा शादी करनी चाहिए। गाँव वालों का बात में आकर के फिर वापस दूसरा शादी हो। ये तो कहानी आपकी बात को रोकते हैं, ये तो कहानी का पार्ट है, लेकिन आप इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं? बात यहाँ आती है कि बाजिन की आप कहानी बता रहे हैं कि बाजिन को लड़के पर आए, आप इससे कैसे जुड़े हैं? आप तक फिल्म कैसे पहुँची, कैसे आप तक कैसी ये फिल्म, और आपने जब जो रवि पांडे जी लिखे हैं पिक्चर को, जान के बदले जान का प्रोड्यूसर थे और पहला पिक्चर मेरा जान के बदले जान था। इसके बाद उन्होंने बोला कि राकेश भैया एक मैं कहानी लिख रहा हूँ और आप इसको करिए। मैं बोला ठीक है आपकी मर्जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझे काम करने का मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला तो मैं हाँ कर दिया। आपको क्या लगता है सर, इस तरह की फिल्में जब लोगों के बीच में आएगी तो लोगों का मन बदलेगा कुछ इस तरह से, मतलब समाज में क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ी, बहुत अच्छा कहानी बढ़ेगा। जब पर्दा पर आई तो सबके ही ऐसा लगी कि हाँ एगो भोजपुरी में साफ सुथरी फिल्म बन के आई, एकरा में बिल्कुल वल्गैरिटी ना बा, एकदम साफ सुथरी पिक्चर भी आ, कहानी भी बहुत बढ़िया बटी, सबके पसंद थी। मुहूर्त के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी रवि सर को, और जो हमारी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सुधा जी, विवा जी, उनको भी थैंक यू जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए कास्ट किया, और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म को करने के लिए। जल्द से है ये 7 तारीख से, पर मेरा दिल कर रही 20 से ही होती तो बहुत अच्छा था कि जल्दी से बहुत सर पे जाते हैं हम फिल्म के लिए। तो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया है कि सार जी के साथ मैंने जो फिल्म की थी दुल्हन गंगा पार, डमरू और अभी आशिकी, तो इन तीनों फिल्म में भी दोनों में मुझे बहुत प्यार मिला, और आशिकी में भी जल्दी से प्यार मिलेगा जब वो रिलीज़ होगी। और हिंदी फिल्म मैंने की है सौंदर्य प्रोडक्शन हाउस से, जहाँ चार्य जस्ट प्रोडक्शन हाउस से, तनु मिक्स मनु, मेरी शादी में ज़रूर आना,
ये सारी फिल्म आई थी और उसकी जो सेकंड पार्ट हुआ उसमें भी मैं आपको दिखूंगी ज़रूर। और इस फिल्म के लिए मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट इसमें बहुत दिग्गज के हैं, राकेश जी हों या फिर ये हमारी फिल्म की सेकेंड हीरोइन हो, जो इस फिल्म में इनका कैरेक्टर नाम है रागिनी, मेरा रचना नाम है और हम दोनों राकेश जी के अपोजिट हैं, तो लोगों को एक नहीं मिलती, यहाँ इन्हें दो दो मिल गई है। तो और उसके कॉन्सेप्ट की अगर आप सब अभी से जान लेंगे तो फिर हमारे दर्शक फिल्म क्या देखेंगे, और जब ये फिल्म देखेंगे तो ना किसी की भी आँख से एक भी आंसू निकल आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, और अभी सर ने इसे दिल से लिखा है और डायरेक्शन भी दिल से ही होता है, तो जब डायरेक्शन अच्छा है तो स्टोरी भी अच्छी होगी। जैसे कि आपने बताया कि भोजपुरी की बड़ी बड़ी फिल्में आपने की है, इस समय जो भोजपुरी पर अश्लीलता का जो आरोप लग रहा है सोशल मीडिया पे, लोग भोजपुरी पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या सही है या गलत है? कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है तो इसलिए ऐसा हो गया। लोगों की सोच, अपना काम है, काम करते रहिए, चीजों को अच्छा करिए, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कौन लोग है वही मैं जानना चाहता हूँ, कौन ऐसे लोग? बहुत से लोग हैं, किन किन का नाम बोलते रहेंगे? नहीं बात तो नहीं है, आप उसके फेवर में है अश्लीलता की या नहीं, आप बिल्कुल होना चाहिए, फिल्में होनी फिल्में चाहिए, हो या गाने हो तो साफ सुथरे होने चाहिए, ये जिससे कि फैमिली भी देखे, बच्चे भी देखे और उनको ज्ञान भी दे। और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मेरा नाम है नंदिनी चौबे और ये फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी क्योंकि दीदी ने सारा कुछ तो बोल ही दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस फिल्म को करने के लिए, और जैसे ही रिलीज़, मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द बन के रिलीज़ हो जाए और मैं 100% अपना दूंगी और 100% आप लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। क्या रोल है आपका? मैं सर के अपोजिट हूँ, फर्स्ट ये कर रही है, सेकंड में कर रही हूँ, मेरा कैरेक्टर का नाम है रागी। ठीक, पहले तो मैं भोजपुरी समाज को प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम है पूनम वर्मा, और मैं इस ये जो बाजिन जो टाइटल है उसमें मैं सेकंड हीरोइन की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये जो बाजन जो बाजिन का जो टाइटल है ना, ये सबको अच्छा लगा, चाहे मैं हूँ चाहे ये हुए, मतलब इसमें मतलब जितने कलाकार हैं अगर काम करने के लिए बहुत ही मतलब वो है कि नहीं, हाँ नहीं मुझे काम करना है तो करना है, क्योंकि टाइटल ही इतना मतलब अच्छा है, प्यारा है, तो बस मूवी भी अच्छी बनेगी। और जैसे ये है भगवान से विनती कि बहुत चले और जल्दी से मूवी मतलब शूटिंग हो और जल्दी से रिलीज हो, मार्केट में आए और आप लोग के बीच में आए, बस यही तमन्ना है। लेकिन टाइटल बहुत अच्छा है और रवि जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि मूवी हम अच्छे से बनाएं, अच्छे से अच्छी मूवी बने। सर बताइए। सर बताइए जी, फिलहाल तो अभी बांझिन फिल्म का मुहूर्त हम लोग कर रहे हैं, रवि पांडे जी इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जो भी कहानी उन्होंने लिखी है, रवि पांडे जी एक बहुत जुनूनी आदमी है, बहुत ही कोई भी काम बड़ी शिद्दत से करते हैं, और अब तक उन्होंने कम से कम उनकी चौथी फिल्म है, चूँकि बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म कर रहे हैं, इससे पहले प्रोड्यूस किया उन्होंने 2-3 फिल्में प्रोड्यूस किया, और उन्होंने ये जब कहानी उन्होंने लिखना शुरू किया, जो ऑनलाइन मुझे बताया, सर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजकल लोगों की सोच भोजपुरी में, राइटरों की सोच, डायरेक्टरों की सोच ऐसी है, और आजकल भोजपुरी भाषा वैसे ही बदनाम हो रही है, और अश्लीलता का आरोप हमेशा लगता आया है भोजपुरी भाषा में। तो इस चीज़ को देखते हुए रवि पांडे जी ने कहा कि मैं एक नई टीम लेकर के, मेरा कॉन्सेप्ट ही हीरो मैं, कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के फिल्म बनाऊंगा कि जो भोजपुरी में अश्लीलता का जो धब्बा लगा है उसको शायद मेरी पहली कोशिश होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको धोने के लिए, और हम प्रण करते हैं कि आज के बाद से हम साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में ही बनेंगे। तो सर मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, हम लोग लगे पड़े। हाँ तो अपने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब भी मैंने स्टोरी, इन्होंने और सर ने मिलके जब मुझे स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। एक फैमिली मूवी है कि पूरा परिवार एक साथ देख सकता है, सुन सकता है, बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली ने भी सुना, उनको पसंद आया, उन्होंने मुझे बोला डेफिनेटली आप ये चीज़ ये मूवी करो, तो मैंने सबको हाँ बोला। तो अपने किरदार के बारे में बताइए जरा, क्या है किरदार आपका? मैं सेकेंड लीड कर रही हूँ। इन्होंने बताया कि हम एक गरीब फैमिली से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, और हाँ ये मेरी सिस्टर है, बात
अच्छा तो वही कौन थोड़ा कंफ्यूज है सॉरी उन्होंने बताया बाजी मतलब क्या उनका नाम है बाजी रवि जी ने मुझे बताया कि इस कैरेक्टर में एक लड़की है जो बाजीन होती है ठीक है सेकंड जो शादी होती है उनके भाई से तो जैसा कॉन्सेप्ट है ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि डेफिनेटली ये चीज़ करनी है मूवी करनी चाहिए और जो टॉर्चर होता है आजकल जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है जो प्रॉब्लम्स चलते लाइफ में तो उनको जो टॉर्चर होता है वो टॉर्चर इस मूवी में दिखाया जाएगा इस तरीके से लोग या गांव वाले लोग मोस्टली गांव वाले लोग टॉर्चर करते हैं बिकॉज मुंबई में ये चीज़ अभी तो नहीं है लोगों में अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे आगे निकलना है या कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है गाँव वालों की जो सोच है वो इसमें दिखाई गई है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है बहुत मैं सीधी सादी एक सीधी सादी है सीधी सादी एकदम काफी अच्छी है सबसे पहले आपको इस फिल्म में मेरा निगेटिव कैरेक्टर है पहले तो सभी भोजपुरिया समाज और सभी श्रोतागुण को मेरा सुनील पांडे का प्रणाम स्वीकार हो सबको इस फिल्म में मेरा निगेटिव कैरेक्टर दिया है पांडे जी ने और ये पहली बार ऐसा किया है और बहुत ही दमदार कैरेक्टर है जो मेरा कैरेक्टर है सूर्या का वो बहुत दमदार कैरेक्टर है और फिर आगे आप लोग जब कहानी को पूरी तरह से देखोगे तो सूर्या की क्या कैरेक्टर है वो आप लोगों को सभी को पता चलेगा और बहुत ही बहुत दमदार कैरेक्टर है जो अब तक मुझे लगता है कि शायद जी हाँ बिल्कुल हाँ एक सेकेंड अब उनको बैठने तो हैं अब